थी तो राज्यभर की जेलों में मेगा सर्च ऑपरेशन दरमियान 16 मोबाइल 10 इलेक्ट्रिक चीज वस्तु 39 घातक सामान अने 3 जगह थी मादक पदार्थों मिली आया है। रातभर चालेला सर्च ऑपरेशन दरमियान सीएम भूपेन्द्र पटेले डेशबोर्ड थी निरीक्षण कर्यु। आ सर्च ऑपरेशन मुख्य प्रधान भूपेन्द्र पटेले सीएम डेशबोर्ड थी निरीक्षण कर्यु। त्रिनेत्र प्रोजेक्ट थी गृह राज्य प्रधान हर्ष संघवी तथा उच्च अधिकारी सर्च ऑपरेशन लाइव मॉनिटरिंग कर्यु। राज्य की 17 जेलों में 1700 जेटला पोलिस अधिकारी कर्मचारी द्वारा रातभर मेगा सर्च ऑपरेशन करायु। राज्य की दरेक जेल में प्रतिबंधित वस्तुओं की बदी नेस्त नाबूद करवा तथा जेल में रहेल कैदियों ने मळवापात्र सुविधाओं ने लईने सर्च ऑपरेशन हाथ धरायु हतुं। जेल में जे कैदीओ छे ए कैदीओ कई अवस्था में जेल में रही रहा छे, ए लोको माटे जेल में शुं व्यवस्थाओ छे, नियम मुजब जे ए लोको ने सगवड़ आपवानी होय छे ए सगवड़ ने योग्य रीते प्राप्त थाय छे केम, ए अंगेनी पण चकासणी थई जाय। एना माटे आ 17 जेलों में पुलिस अधीक्षक, नायब पुलिस अधीक्षक, पीआई पीएसआई कक्षाना अधिकारी द्वारा जेलनी मुलाकात ने रेड करवामां आवी छे। सेंट्रल जेल में गत मोड़ी रात थी चाली रहेली तपासनी कामगीरी सवारना 7 वाग्या सुधी चाली हती। अमदावाद शहरना उच्च अधिकारी द्वारा जेल में तपास करी हती, साथे डीसीपी एसीपी पीआई सहित 50 करता वधारे पोलिस जवानों बॉडी ऑन कैमरा साथे तपास में जोड़ाया था। सेंट्रल जेल में मोटी मात्रा में तमाकू और सीगरेट नो जत्थो मळी आव्यो छे, साथे ज मादक द्रव्यो पण मळी आव्या हता, जेने लई सेंट्रल जेल खाते एफएसएल नी टीम आवशे अने जेल मांथी मळेली तमाम वस्तुओनी तपास करशे। साथे ज अमदावाद साबरमती जेल मांथी गांजाना लगभग 40 जेटला पेकेट मळी आव्या छे। समग्र राज्यभर में जेल में सर्च ऑपरेशन की कामगिरी पर कांग्रेसे प्रतिक्रिया आपी और सरकार पर प्रहार कर्या छे। जेल में चकासणी प्रथम दृष्टिए सारी बात है, पण जो जेल विभाग योग्य कामगिरी करतु होय तो चेकिंग शा माटे करवू तेवो सवाल कर्यो छे। जेल में कैफी द्रव्यो पकड़ाया होवाना अहेवाल पर कांग्रेस प्रवक्ताए कह्युं के जेल में कैफी द्रव्यो पकड़ावानो अर्थ स्पष्ट है कि गोठवण पाकी है। मोटा अधिकारी पर पगला लेवाना बदले नाना कर्मचारी पर पगला लेवाया होवानो पण आक्षेप कर्यो। गुजरात नागरिक तरीके छे के आ जेल मेन्युअल प्रमाणे आखी कामगिरी थई रही छे के नहीं, एसओजी अने समयांतरे जो तपासणी करता होय तो आटली मोटी चूक अने आटली मोटी व्यवस्था में कोण खेल पाड़ी रह्यु छे ए पण गुजरात जाणवा मांगे छे। राजकोट में डीजीएफटी ना जॉइंट डायरेक्टर जवाहरीलाल बिश्नोई आत्महत्या करी छे, ते बाद पुलिसे बिश्नोई नो मृतदेह सिविल हॉस्पिटल खसेड्यो हतो। बिश्नोई ना परिवारजनों सिविल हॉस्पिटल पहुंची हत्याना आक्षेप कर्या हता, तेमज भारत सरकार पासे न्यायनी मांग करी हती। त्यारे हवे बिश्नोई ना परिवारजनों सिविल हॉस्पिटल ना धरना पर बैठा छे। गुजरात में भ्रष्टाचार नाबूद थयो होवानो सरकार दावो करे छे, परंतु वर्ग 3ना सरकारी कर्मचारीओ सौथी वधु भ्रष्टाचार करता होवानो विधानसभा गृहमां सामे आव्यो छे। छेल्ला 2 वर्षमां वर्ग 1 थी वर्ग 4ना कुल 541 अधिकारी अने कर्मचारीओ सामे लाच विरोधी कार्यवाही करवामां आवी छे, जेमांथी 349 अधिकारीओ सामे केस दाखल करवामां आव्या छे। तेमांथी 31 आरोपीने पकड़वाना बाकी होवानुं राज्य सरकारे गृहमां स्वीकार्युं छे, ज्यारे वर्ग 1ना 17 अधिकारीओ सामे पगला पण भरवामां आव्या छे, परंतु वर्ग 3ना कुल 170 जेटला अधिकारीओ सौथी वधु लाच लेता होवानुं सरकारे गृहमां स्वीकार्युं छे। आम सरकार राज्यमांथी भ्रष्टाचारने डामवानी वातो करे छे, परंतु सरकारना नाक नीचे अधिकारीओ अने कर्मचारीओ बेफाम भ्रष्टाचार फैलावी रह्या छे। तो माठ किरण पटेल साथे सीएमओना पीआरओ हितेश पंड्याना पुत्रनुं कनेक्शन सामे आवता हितेश पंड्याना राजीनामुं लई लेवायुं। हितेश पंड्याए जीएसटीवी साथेनी वातचीतमां कह्युं के तेना पुत्र अमित पंड्याની अटकायत थई नथी, अमित पंड्या कायदाकीय प्रक्रियामां मददरूप थई रह्यो छे। हितेश पंड्याए कह्युं के तेनो पुत्र निर्दोष छे अने सत्य बहार आवशे। अमित पंड्याना माठ किरण पटेल साथे तेना पुत्र अमित पंड्याની मित्रता होवानी वात नकारी हती, कह्युं के मित्रता तो न कहेवाय, संबंध होई शके। હું જે કંઈ અટકાયત અમિતની નથી થઈ એવો હું તમને વિશ્વાસ દેવડાવું છું, અમિત ભલે કાશ્મીરમાં રહ્યો પણ એની અટકાયત એ નથી કરી, અથવા તો એને જે કંઈ પ્રોસેસ ત્યાં કાનૂની પ્રોસેસમાં એને ક્યાં ક્યાં
શું કરવાનું હોય, મદદરૂપ થવાનું, સ્ટેટમેન્ટ હોય, એક્સ વાય ઝેડ હોય, એ બધામાં એ ત્યાં આપે છે.